हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, बट फिर भी आप सभी के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को लेकर। जैसे कि मैम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा कैसे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसा उसका इंटरफेस रहेगा। तो डोंट वरी, आप सभी के ये डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि नीलिट ने एक यूज़र इंटरफेस शेयर किया है जहाँ आप अपने किसी भी मॉड्यूल के प्रैक्टिकल पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आपको अच्छे से समझ तभी आएगा जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो आप एंड तक बने रहिए। सबसे पहले आप नीलिट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे उसके ऊपर जाओगे तो आपके सामने ऐसा यूआई आएगा। सबसे ऊपर जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। ये इंटरफेस आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम की जो यूआई होता है उसके ऊपर ले जाएगा। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। यहाँ नीलिट ने चार के चार मॉड्यूल्स जो ओ लेवल के हैं, उन चारों मॉड्यूल्स के प्रैक्टिकल के यूआई आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ से आप अपने हर एक मॉड्यूल की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मैं पी आर वन यानी M1R5, ये M1R5 का प्रैक्टिकल एग्जाम का जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम है उसका यूआई है। PR2 M2R5 का है, PR3 M3R5 का है, PR4 M4R5 का है। सबसे पहले मैंने क्लिक किया PR1 यानी M1R5 के यूजर इंटरफेस के लिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको क्या करना है, अपनी मेल आईडी डालनी है। जैसे कि मैंने एंटर करी अपनी मेल आईडी, इसके बाद आपको अपना नेम यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करोगे, रजिस्टर करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आप क्लिक करोगे, क्लिक हेयर टू स्टार्ट टेस्ट। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, जैसा ओरिजिनल रियल जो पेपर आता है, बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। क्लिक किया मैंने तो मेरे सामने जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसका रियल इंटरफेस बिल्कुल आ जाएगा। सो देखिए, यहाँ पर लोडिंग चल रही है। यहाँ पर देखिए आप, बिल्कुल एग्जैक्ट जो रियल पेपर होता है वैसा ही वेटिंग लॉज आ गया। स्टार्ट जब आप करते हो एग्जाम को, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ आपको अपना नेम और आईडी दिखाई देगी जब आप एग्जाम दोगे। और ये वेटिंग लॉज क्या है, यहाँ पर 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। किसके लिए 30 सेकंड आपको मिलेंगे, ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए। जैसे ही आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हो, आपको इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। बेसिकली इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, जैसे कि आपके एग्जाम की ड्यूरेशन 50 मिनट्स रहेंगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। अगर कोई भी किसी भी केस के अंदर आपका सिस्टम फेलियर हो जाता है, पावर फेलियर हो जाता है, तो सबसे पहले आप इनविजिलेटर को या एग्जामिनर को इन्फॉर्म करोगे उसको लेके। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जैसे ही आप पढ़ लेते हो, टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो आप चेकबॉक्स पर टिक करोगे और प्रोसीड नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप प्रोसीड नाउ पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें टॉप कॉर्नर में आपको अपना नेम और आईडी दिखाई देगी। सेंटर में आपको टाइम दिखाई देगा कि कितना टाइम आपका पेंडिंग है। आपका डोमेन नेम और टेस्ट नेम यहाँ पर शो करेगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके साथ राइट साइड पे क्वेश्चन पैनल है। क्वेश्चन पैनल के अंदर आपको दिखाएगा कि पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम में कितने क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 1 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को देख सकते हो। क्वेश्चन ये आता है कि अब आप सपोज आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, आपको नहीं आता, आप बाकी के क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो इसके लिए आप बेसिकली क्या करोगे, क्वेश्चन पैनल के अंदर जिस भी क्वेश्चन को आप देखना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे मेरे को सेकंड क्वेश्चन देखना है, सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखना है, तो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम बेसिकली क्लिक कर देंगे, थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्लिक कर सकते हो, या फिर नीचे बिल्कुल प्रीवियस प्रीवियस पे क्लिक कर दो, या फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हो।
अगर आप स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर दो, फुल स्क्रीन हो जाएगी। जैसे इस टाइम मैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान से पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट वहां पर रेयर ही चांस है कि कॉपी पेस्ट हो पाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप किसके ऊपर क्लिक करोगे, जूम इन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही जूम इन पे क्लिक करोगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए जिस इंटरफेस की जरूरत है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ये लिब्रे कैल्क का है, तो मैं जैसे ही जूम इन पे क्लिक करूंगी मेरे सामने कैल्क का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन था आपका, आप यहाँ पर सिंपली इसको टाइप करोगे। जैसे कि मेरे को याद नहीं है अब क्वेश्चन क्या था, तो मैं क्या करूंगी, जूम आउट पे क्लिक कर दूंगी वापस से क्वेश्चन के ऊपर जाने के लिए। इसी तरीके से आप जूम इन करोगे और जूम आउट करोगे। अंदर जाने के लिए इंटरफेस के लिए जूम इन पे क्लिक करोगे, वापस आने के लिए जूम आउट पे क्लिक करोगे। सपोज मैंने इसको लर्न कर लिया कि जैसे ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं दोबारा से इसके अंदर जाऊंगी, वो चीज़ें यहाँ पर टाइप करूंगी। पहले इसको हम ऊपर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर बेसिकली टाइप किया नेम, फोन। अब आगे जैसे कि मेरे को लर्न नहीं है मैंने क्या क्या चीज़ें टाइप करनी है, तो आप ऐसे ही जूम आउट नहीं करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को सेव करना पड़ेगा। इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप फाइल को सेव करोगे। यहाँ पर क्लिक नहीं करना, क्लिक करना है यहाँ पर इस आइकन पर फाइल को सेव करने के लिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ही जूम आउट पे चले जाओगे तो जो आपने लिखा है वो सेव नहीं होगा, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ से फाइल को सेव करोगे, जूम आउट पे क्लिक करोगे, देखोगे कि आगे क्या है, दोबारा फिर जूम इन पे क्लिक करोगे तो जो पहले आपने काम किया था वो आपको सेव मिलेगा। ऐसे ही अपना कंप्लीट काम करके जो उन्होंने बोला है, लास्ट में अपना क्वेश्चन जैसे ही आपका आंसर कंप्लीट होगा, आप फाइल को यहाँ से क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। सेव करने के बाद बैक आ जाओगे जूम आउट के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज, जैसे ये राइटर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी क्या करोगे, आप जूम इन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही जूम इन के ऊपर आप क्लिक करोगे, राइटर का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि कैल्क का आया था। और जैसे ही आप, हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन को सेव कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आप सेव कर दोगे तो क्वेश्चन पैनल के अंदर आपको वो ग्रीन दिखाई देगा, यानी जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे वो आपको ग्रीन शो कर देगा और जो पेंडिंग होंगे वो नॉर्मल रहेंगे। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, तो सेकंड क्वेश्चन है राइटर का। राइटर के क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़ोगे और जूम इन पे क्लिक कर दोगे, सेम फॉर्मेट रहेगा, सेव करके ही बाहर आओगे, बिना सेव किए आप जूम आउट नहीं करोगे। जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, एंड टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एंड टेस्ट पे क्लिक करोगे, यस सबमिट इट, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा कि टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। ये था M1R5 का प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे आता है। अब हम देखते हैं M2R5 का किस तरीके से आपको शो करेगा। उसके लिए दोबारा से क्या करना, आपको नीलिट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे। वहां से आप जैसे ही नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाओगे, तो यहाँ क्लिक करोगे PR2। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, दोबारा आपसे मेल आईडी और नेम मांगेगा। यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी ईमेल आईडी डाली तो वो क्या शो कर रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मीनिंग आपको दोबारा से नई आईडी यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अपनी नई आईडी डाल रही हूँ। नई आईडी डालोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, नेम लिखोगे, रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे तो आप नए इंटरफेस के अंदर एंटर हो जाओगे। दोबारा से क्लिक हेयर टू स्टार्ट टेस्ट करोगे आप, तो आपके सामने आ जाएगा M2 का फर्स्ट इंटरफेस, M2 के प्रैक्टिकल एग्जाम का। टाइमिंग शो करेगा यहाँ, टेस्ट का नेम, टाइम कितना होगा पेपर करने के लिए 50 मिनट्स, क्वेश्चन कितने रहेंगे 3 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर। तो जो ये वेटिंग लॉजेस के बारे में बता चुकी हूँ, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ोगे,
चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे, टाइम खत्म होते ही यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे प्रोसीड नाउ। जैसे ही क्लिक करोगे M2 के एग्ज़ाम इंटरफेस के अंदर आप एंटर हो जाओगे। M2 का एग्ज़ाम जो इंटरफेस है वो M1 से थोड़ा अलग है। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ देखिए सेम वही सारी चीज़ें, क्या क्या शो करेगा, क्वेश्चन कहाँ रहेगा, क्वेश्चन पैनल कैसे कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यहाँ से हम स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि M2 के अंदर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस एरिया के अंदर आप अपना कोड लिखोगे और कोड लिखने के बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। कोड के अंदर अगर कुछ चेंज करना है दोबारा लिखिए और दोबारा से क्या कर दिए, सबमिट। लेकिन अगर M2 के अंदर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इमेज लगानी है, ऑडियो लगानी है या वीडियो लगानी है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी उन्होंने ऑप्शन डाल रखा है एसेट्स। जैसे कि अभी तो क्वेश्चन उनका जावास्क्रिप्ट का है, सम और मल्टीप्लाई करनी है दो नंबर्स की, बट अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप इमेज इंसर्ट करके दिखाइए, तो आप क्या करोगे, इमेज कहाँ से लेकर आओगे, उसके लिए आपको एसेट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपको सारी एसेट्स दिखाई देंगी जिनमें इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, सारी की सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अगर आपको कोई भी इमेज लगानी है उसका URL यहाँ से सिंपली कॉपी कर लें और यहाँ से इस इंटरफेस को क्लोज कर दें और उसको अपने प्रोग्राम के अंदर पेस्ट कर दें। लेकिन अब तो हमारा क्वेश्चन कुछ हो रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी कोडिंग करोगे। जैसे कि मैं वैसे ही कुछ भी लिख के दिखा रही हूँ, क्वेश्चन का आंसर नहीं है एग्जैक्ट। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा हेलो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं कोड को सबमिट कर दूंगी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के साथ साथ यहाँ पर उसका प्रीव्यू भी दिखाई देगा। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि जो कोड आपने लिखा है क्या वो सही आउटपुट दे रहा है जो पूछी गई है। इसलिए आप ध्यान से एग्जैक्ट आउटपुट आ जाए तब उसको दोबारा, फिर अगर इसके अंदर कोई चेंज करना है लिख के दोबारा सबमिट कर देना, दोबारा फिर कर सकते हो। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, सेकंड क्वेश्चन। जैसे सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला है कि इस तरीके का फॉर्म डिज़ाइन करना आपको, तो सेम एज इट इज़ यहाँ आप अपना कोड लिखेंगे। यहाँ कोड लिखने के बाद सबमिट कर दोगे तो प्रीव्यू दिखाई देगा। इसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सेम एंड कर सकते हो अटेम्प्ट करने के बाद। अगर थर्ड क्वेश्चन भी देखना है तो आप देख सकते हो, थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी क्या दे रखा है, हाइपरलिंक से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। तो जैसे ही आप कंप्लीट कर देते हो तो क्या कर दोगे, उसको एंड कर दोगे, यस कर दोगे, तो आपका जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ये M2 का इंटरफेस था। M3 का इससे थोड़ा अलग है, उसके अंदर कुछ ऑप्शंस अलग हैं। उसके लिए आप दोबारा से क्या करोगे, इस इंटरफेस के ऊपर आ जाओगे, M3 के ऊपर क्लिक करोगे। जिनका M3 का है वो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी, नेम डाल देंगे आप, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। दोबारा से टेस्ट को स्टार्ट करोगे तो सेम वेटिंग लॉन्च आएगा आपके सामने। टाइम का कंप्लीट होने तक आप इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करेंगे। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाएगा, चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे और प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देंगे। टाइमिंग रहती है हमारी, तो तब तक आपको क्या करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा आगे प्रोसीड करना है। टाइम कंप्लीट हो गया तो हम क्या कर देंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, M3 का जो भी UI रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा। बेसिकली UI सारे सेम हैं, बट क्वेश्चंस और उनका आंसर जहाँ टाइप करना है वो डिफरेंट है। M3 बिल्कुल अलग है M2 से। M2 के अंदर डायरेक्ट आपको कंपाइलर जो भी था आउटपुट देखने के लिए दोनों चीज़ें दे रखी थी, बट यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे। लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन। जैसे ही आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस भी कर सकते हैं, अच्छे से देखते हैं, अच्छे से देखने के लिए, जिसमें आप क्वेश्चन भी अच्छे से देख सकते हो। और यहाँ पर दो चीज़ें हैं, वहाँ पर क्या था M2 के अंदर
कोड लिखने के बाद सबमिट का ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर कंपाइल और सबमिट दो ऑप्शन है। जैसे ही आपने पाइथन का कोड लिखा, अगर आप इसको सबमिट कर देते हो तो वो सबमिट हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको चेक करना चाहते हो इसके अंदर कोई एरर है या नहीं, तो क्या कर दोगे, उसको कंपाइल कर दोगे। जैसे ही कंपाइल करोगे, अगर उसके अंदर कोई एरर रहेगा तो वो क्या दे देगा, वार्निंग। वार्निंग क्या दी कि सिंटैक्स है जो आपका, उसके इन्होंने क्या वार्निंग दी कि कुछ कोड तो लिखो, सिंटैक्स अच्छा लिखो। हम ओके कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी यहाँ पर टाइप करना है, जो भी आपका प्रोग्राम है वो आप उसका कोड यहाँ पर लिखोगे और कोड को क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसके लिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखोगे तो ही आगे क्या होगा, सबमिट। सपोज मैं इसको काट देती हूँ, मैं अपना कोड लिखती हूँ, सिंपल मैंने कोई मैसेज प्रिंट करवाया, प्रिंट लिख दिया मैंने इसके अंदर वेलकम टू जेड किंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। कंपाइल करोगे आप कोड को, कोड क्या हो जाएगा, इजीली कंपाइल हो जाएगा, और नीचे आप देख सकते हैं जो भी आपने कोड लिखा उसकी क्या दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि कंपाइल कर सकते हो आप, नीचे उसकी आउटपुट दिखाई देगी। M2 में साइड में था लेकिन इसके अंदर नीचे है। जैसे ही आपको लगा कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट किया, तो आप क्या कर दोगे, कोड को सबमिट कर दोगे। यहाँ पर लिखा आएगा कोड सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कोड आपका क्या हो चुका है, सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, सेम लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे और आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको करके लास्ट में क्या करोगे, एंड टेस्ट पे क्लिक कर दोगे, सबमिटेड, तो वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सेम IoT का रहेगा, IoT के इंटरफेस में भी सेम यही सारी चीजें रहेंगी। PR4 पे आप क्लिक करोगे, ईमेल आईडी डालोगे, अपना नेम डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाली, ऑलरेडी मैं बहुत सारी ईमेल आईडी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो आप सभी जो भी तैयार करोगे, दो दो मॉड्यूल्स हैं, तो अपनी ध्यान रखना, हर बार आपकी ईमेल आईडी रिपीट ना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा देगा उसको। तो मैं ईमेल आईडी यहाँ पर चेंज कर देती हूँ। नेम डाल देंगे हम यहाँ पर, कोई भी नेम डाल दूंगी मैं, जैसे मैंने नेम डाल दिया, रजिस्टर कर देंगे हम इसको। सेम इंटरफेस क्लिक करेंगे दोबारा से, ये हमारे सामने M4 का वेटिंग लॉन्च आ जाएगा। M4 के अंदर भी सभी के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, सभी का जो वेटिंग लॉन्च रहेगा, इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, वो सबकी सेम है। तो आप ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा, पता ही चल चुका होगा अब तो आपको, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, टाइम खत्म होते ही प्रोसीड नाउ पर क्लिक करके हम आगे इंटरफेस के अंदर जा सकते हैं। टाइमिंग क्या रहेगी ये ध्यान में रखना है, 50 मिनट्स ही रहेंगी। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास 50 मिनट का टाइम रहेगा अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। IoT के अंदर भी 3 क्वेश्चंस हैं सेम, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसके ऊपर यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसको अच्छे से रीड आउट करना है, फुल स्क्रीन मोड में ऑन कर लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ये क्वेश्चन है इधर। यहाँ पर भी सेम जैसे M3 के अंदर था, सॉरी M3 के अंदर जिस तरीके का इंटरफेस, सेम M4 के अंदर है। यहाँ पर आप कोड लिखोगे, जैसे इन्होंने प्रोग्राम दिया है LED को बजर के साथ इंटरफेस करना है, तो वो सारा कोड आप यहाँ पर लिखोगे, कंपाइल करोगे, एरर होगा तो वो आपको बताएगा, एरर नहीं होगा तो वो आपको नीचे आउटपुट भी दिखा देगा इस एरिया में, जैसे M3 का आया था। सपोज मैं यहाँ पर सिंपल कुछ भी लिख रही हूँ, मैंने सिंपल ही लिख दिया यहाँ पे, सीरियल डॉट बिगिन कर दिया, मैं सीरियल कम्युनिकेशन करवाना चाहती हूँ IoT के अंदर। यहाँ पर मैंने सिंपली मैसेज प्रिंट करवाया, सीरियल डॉट प्रिंट मैंने यहाँ पर लिख दिया जेड के, कोड को कंपाइल किया मैंने,
जैसे ही कोड को कंपाइल करोगे नीचे आपको आउटपुट, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एरर ड्यूरिंग बिल्ड। इस एरर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो एरर है ये एरर किस चीज का है, प्लेटफॉर्म को लेके, कि आर्डिनो जो बोर्ड है, आर्डिनो का जो प्लेटफॉर्म है वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड नहीं है। इससे खुद को कंफ्यूज नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना, आपका कोड अच्छे से लिखा होना चाहिए, क्योंकि आर्डिनो के अंदर, आईओटी के अंदर आपको पता होगा जो भी आप कोड लिखते हो उस कोड की जो आउटपुट है आप आर्डिनो बोर्ड के ऊपर देखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके पास आर्डिनो बोर्ड नहीं होगा, तो आपको सिंपली अपना सिर्फ कोड यहाँ पर लिखना है, कंपाइल कर दोगे। अगर कुछ और एरर होता आपके कोड से रिलेटेड तो वो यहाँ पर मिलता, आप उसको चेंज भी करते, लेकिन ये एरर आर्डिनो बोर्ड से रिलेटेड है, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है, सिंपली कंपाइल करके कोड को सबमिट कर देना है। कोड सबमिटेड सक्सेसफुली, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। जो क्वेश्चन आपको ठीक लगे वो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी है जो मेन है, कंपाइल आप कितनी बार कर सकते हो किसी भी कोड को, 50 टाइम्स आप उसको कंपाइल कर सकते हो। अगर आप 50 बार से ज्यादा कंपाइल करते हो तो कंपाइल नहीं करेगा, 50 टाइम्स ही कंपाइल कर सकते हो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जो आज हमने प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें सभी अच्छे से, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें। तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, तो सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सभी कमेंट के अंदर क्या टाइप करेंगे, सभी कमेंट के अंदर टाइप करेंगे ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट क्यों टाइप करेंगे, क्योंकि सभी के एग्जाम्स नियर हैं, तो आप सभी टाइप करना ना भूलें।